अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज विषय जो है पूर्व का विषय से संबंधित है, आइडियोलिज्म। आइडियोलिज्म मैं पूर्व बता चुका हूँ क्या है, किसे कहते हैं आइडियोलिज्म, एनिम्स ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ आइडियोलिज्म, नाउनडेज आइडियोलिज्म एंड करिकुलम। आइडियोलिज्म एंड करिकुलम देखिए, आइडियोलिज्म एंड करिकुलम है क्या, आइडियोलिज्म एंड करिकुलम क्या है, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। आदर्शवाद जीवन के सर्वोच्च आदर्श होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है विभिन्न आदर्शवादियों ने मिलकर निम्न अनुसार पाठ्यक्रम पर प्रकाश को डाला है कि पाठ्यक्रम आदर्शवाद पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम के आधार पर जीवन के सर्वोच्च आधार होना चाहिए। पाठ्यक्रम को सभ्यता का प्रतीक होना चाहिए, पाठ्यक्रम को सभ्यता का प्रतीक होना चाहिए। सभ्यता का प्रतीक मतलब हमारी संस्कृति सभ्यता उस पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च आदर्श यानी हमारे जीवन के कुछ आदर्श मूल्यों को अंकित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में मानव जाति के अनुभवों को व्यक्त करना चाहिए, मानव जाति का अनुभव, हर आदमी का अपना अपना एक अनुभव होता है। बच्चे को अनुभव नहीं है इसलिए इधर उधर करते रहते हैं, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वो जानते हैं ना कि गांव ग्राम में लोग बुजुर्गों को भी संभाल कर रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि एक जो अनुभव बताएगा वो अनुभव किसी के पास नहीं होगा। एक बार बराती गया तो उस बराती में बोला कि भाई इसमें सब यंग लोग आएगा, ओल्डेज नहीं आएगा। ठीक है, ओल्डेज नहीं जाएगा। किसी तरह से एक बूढ़े बाबा बड़ी इच्छुक थे, हमारी उम्र कम रही, एक बार तो बराती अब जाने दो, तो उनको गाड़ी के डिक्की में लोगों ने रख लिया था। और जब वहाँ गया तो वहाँ बराती में शर्त लगा कि भाई इस नदी में पानी है, लेकिन तो इस नदी के पानी को दूध बना दो, माने इतना पानी डालो कि नदी का पानी दूध में परिणत हो जाए। अच्छा, तो बोला भाई ये नदी में इतना पानी इतना कहाँ से आएगा, ये नदी का पानी दूध में। कौन बोला? बराती वाला जो लड़की पार्टी था, लड़का पक्ष बराती में गए थे, तो सब जो नौगेरे लड़के थे उन लोगों के दिमाग में बातें नहीं, क्या बोल रहा है, सब नहीं होता है क्या। तो बोला गाड़ी में जो बंद करके ले गया था, तो बोला लोग निकाल रहे बाबा ऐसे ऐसे बात, अरे चुप रहो ना भाई, तो हमारा शर्त है कि नदी का पानी आप निकाल दीजिए, तो इसमें हम दूध बहा जाए। नदी का पानी निकाल नहीं सकता है, दूध बहा नहीं सकता, तो बुजुर्गों का अनुभव है सर। इसीलिए पाठ्यक्रम में मानव जाति के अनुभवों का व्यक्त होना चाहिए, ठीक है, और पाठ्यक्रम मानव जाति के अनुभवों का प्रतीक होना चाहिए। साथ ही साथ पाठ्यक्रम मानव जाति के अनुभवों का एक संगठन होना चाहिए, माने एक दो नहीं 10-20 अनुभव उसमें होना चाहिए। पाठ्यक्रम में ज्ञानोपार्जन, जीविकोपार्जन से संबंधित शिक्षा का समावेश होना चाहिए, यानी पोथी पढ़ी पढ़ी गरीब हुआ पंडित भाया ना, कोई वाली कहानी ना हो, पोथी पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ने का मतलब है कि पढ़ने के साथ साथ हम अपने जीवन जान की प्रक्रिया को भी रख सकें, और पढ़ने का मतलब है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने जूनियर को पढ़ा सकें। अगर आप अपने जूनियर को नहीं पढ़ा सकते हैं इसका मतलब आपने पढ़ाई किया नहीं है, अपने पढ़ाई के साथ आपने बेईमानी किया है। सो दैट पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, ज्ञानोपार्जन के साथ साथ जीविकोपार्जन है ना, कैसे फिर चलेगा, यहाँ तो रोटी कपड़ा और मकान इतने तो आदमी परेशान जीवन भर कमाते कमाते मर जाता है, कितना लोग उसकी जीवन जिला समाप्त हो जाती है। आदर्शवाद में पाठ्यक्रम को निर्माण में बहुत सारे वातावरण को ध्यान में रखकर करना पड़ता है। देखिए प्लेटो जो महान दार्शनिक थे, उन्होंने मानव अनेक प्रक्रियाएं करती है, अब मानव अनेक प्रक्रियाएं करती है तो उस मानव प्रक्रियाओं को उन्होंने कहा है कि एक सूची
सूचीबद्ध बनाया। कैसे सूचीबद्ध बनाया है? बौद्धिक, बौद्धिक विकास के क्या करना होगा? भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, डिफरेंट टाइप चीज को स्टडी करना होगा, उससे हमारा बौद्धिक विकास होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। और कलात्मक, कलात्मक मतलब क्या? कला, कला क्या है? नाच, गान, डिफरेंट आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, कविता, राइट। नैतिक, नैतिक धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, तो ये सारी चीजों का आप कहते हैं कि हम लोग प्रौद्योगिकी से बहुत कड़ा पढ़ाई है। आपको पढ़ाया इसलिए जाता है इतना कि आप इतना परिपक्व और नैश्वर्त हो जाए, जितना पढ़ाई स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं उतनी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप जो है कम से कम अपने मस्तिष्क को जितना ज़्यादा से ज़्यादा परिष्कृत कर सकें, ताकि आगे आने वाले समस्याओं का समाधान आप स्वतंत्र रूप से कर सकें और अपने मस्तिष्क को परिष्कृत और डेवलप कर सकें। इसके बाद जो ये आदर्शवाद और पाठ्यक्रम है, तो इसमें मैंने कहा दिया इसके पहले कि सिर्फ पढ़ाने से नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ हम पढ़ा रहे हैं, हमारी रोजी रोटी भी जुगाड़ हो रही है। आप पढ़ रहे हैं तो अपने भविष्य में आप कुछ अपने रोजी रोटी भी जुगाड़ रखना होगा, साथ साथ अपने नैतिक मूल्यों को भी भूलना नहीं होगा, अपने धर्म को भी भूलना नहीं होगा, अपने जो हमारा बौद्धिक विकास के लिए साहित्य है। लोग कहते हैं, आप लोग सुने हो कि जब कोई महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है तो उसको लोग कहा जाता है कि अच्छे बाजार में रहिए, अच्छा सुनिए, अच्छा चलिए और अच्छे सोचिए और धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है मानव के मस्तिष्क पर और मानव मस्तिष्क से जुड़ा हुआ बच्चा का केंद्र। सो दैट लोग कहता है कि जैसा खायन वैसा मन, जैसा खाइएगा वैसा मन होगा और जो जैसा सोचता और करता है वह वैसा बन जाता है। इसके साथ आज का हमारा जो विषय है एडमिशन करिकुलम, जय हिंद।